मेरा नाम स्वाति पाठक, मैं इसी बात से शुरू करती हूँ कि ये गरीबी जीने नहीं देती, ये गरीबी जीने नहीं देती, रंजोगम बेशुमार देती है। ये गरीबी जीने नहीं देती, रंजोगम बेशुमार देती है, चेहरा उतरे तो एक बात है। ये गरीबी जीने नहीं देती, रंजोगम बेशुमार देती है, चेहरा उतरे तो एक अलग बात है, गरीबी भूख इज्जत उतार देती है। खामोशियां रख लो मेरी गिरवी, खामोशियां रख लो मेरी गिरवी, मुझे अल्फाज लौटा दो। खामोशियां रख लो मेरी गिरवी, मुझे अल्फाज लौटा दो, जात रख लो अपने ही पास, मुझे इंसान लौटा दो। मेरी कविता की ओर बढ़ती हूँ, नज्म की ओर बढ़ती हूँ, पता नहीं क्या है पर कुछ तो है। आज़ादी जिसे हम बहुत दूर तक ले आए हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो भूल आए हैं, तो वो क्या हैं वो मैं बताऊंगी, और क्या हम लेकर आए हैं शायद खाली हाथ ही हैं। आज़ादी इतनी दूर तक ले तो आए आज़ादी, इतनी दूर तक ले तो आए आज़ादी, फिर क्यों शर्मिंदा हो तुम। इतनी दूर तक ले तो आए आज़ादी, फिर क्यों शर्मिंदा हो तुम, क्या ये कम है कि जिंदा हो तुम। शायद आज तुमको याद आया, शायद शायद आज तुमको याद आया कि पीछे क्या भूल आए तुम। शायद आज तुमको याद आया कि पीछे क्या भूल आए तुम। हिंदुस्तान तो खींच लाए वहां से, पर हिंदी भूल आए तुम। माथे की चमक तो धन्यवाद। हिंदुस्तान तो खींच लाए वहां से, पर हिंदी भूल आए तुम। माथे की चमक तो ले आए वापस, पर बिंदी भूल आए तुम। इतनी दूर तक ले तो आए आज़ादी, फिर क्यों शर्मिंदा हो तुम, फिर क्यों शर्मिंदा हो तुम। सरहदों में बांटने के लिए रस्सी ले आए, सरहदों में बांटने के लिए रस्सी ले आए, वो फांसी वहीं भूल आए तुम। भरी सभा के लिए द्रौपदी खींच लाए, भरी सभा के लिए द्रौपदी खींच लाए, वो मर्दानी वो झांसी वहीं भूल आए तुम। इतनी दूर तक ले तो आए आज़ादी, फिर क्यों शर्मिंदा हो तुम, फिर क्यों शर्मिंदा हो तुम। दामिनी और आसिफा बानो, दामिनी और आसिफा बानो तक का सफ़र तय कर तो लिया, दामिनी और आसिफा बानो तक का सफर तय कर लिया, वो राधा वो मीरा वहीं भूल आए तुम। करोड़ों की भीड़ में भेड़िए ले आए, करोड़ों की भीड़ में भेड़िए ले आए, मगर इंसान वहीं भूल आए तुम। इतनी दूर तक ले तो आए आज़ादी, फिर क्यों शर्मिंदा हो तुम, क्या ये कम है कि जिंदा हो तुम। हाँ, क्या ये कम है कि जिंदा है हम। मैं अगली नज्म की और अगली कविता की और तब बढ़ूंगी, और ये बात कहूंगी कि हम और आप एक उस घर में कभी ना, अपने घर में सिमटे रहते हैं, अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, उस घर की चौखट पर आज लेकर चलूंगी जहां पर एक सैनिक अपना सैनिक का शव शरीर लेकर आया गया है, और उसकी माँ, उसकी 1.5 साल की बेटी, उसकी एक दिन पहले करवा चौथ बीते हुए वो दुल्हन, वो बहू घर की हाथों में मेहंदी लगाए बैठी है, और दहलीज के अंदर कदम रखते ही कैसा माहौल होगा, वहाँ चलते हैं, एक खुशनुमा माहौल को एक गम में बदलते हैं, क्योंकि वो एक ज़रूरी है, एक अधूरी आस। उस सैनिक की अधूरी आस मैं एक प्रस्तुत करूँगी कविता के रूप में। मैं उम्मीद करती हूँ हम उस झलक को देख सकें, उस दृश्य को देख सकें। एक अधूरी आस, जिंदगी को जीने की आस रह गई, जिंदगी को जीने की आस रह गई, अपनी खुशी से मिलने की आंखों में प्यास रह गई। जिंदगी को जीने की आस रह गई, अपनी खुशी से मिलने की आंखों में प्यास रह गई। हम तरसे बहुत उस घर को देखने को जिस घर में पड़ी हमारी लाश रह गई। हम तरसे बहुत उस घर को देखने को जिस घर में पड़ी हमारी लाश रह गई। सूनी कलाइयों में बांधते प्यार बहनों का, सूनी कलाइयों में बांधते प्यार बहनों का, मेरी तड़पती बाहों की ये आस रह गई। भीगी पलकों से करते विदाई अपनी गुड़िया की, ख्वाबों की अधूरी वो रात रह गई, जिंदगी को जीने की आस रह गई। देखकर चांद को खोलती थी व्रत, देखकर चांद को खोलती थी व्रत, उम्र भर के लिए मेरी वो जान उदास रह गई। करना था इस उम्र में बोझ हल्का जिसका, करना था इस उम्र में बोझ हल्का जिसका, उसके कंधों पे मेरी अस्थियों की सौगात रह गई। लाऊं कहां से वो शब्द और बयां करने को, मैं लाऊं कहां से वो शब्द और बयां करने को, उस माँ के लिए जिसकी आंखों में आंसुओं की बरसात रह गई। जिंदगी को जीने की बस एक आस रह गई, एक अधूरी आस रह गई। धन्यवाद।